दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से प्रोवो एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग भी प्रोवो एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीख लीजिएगा। तो दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोवो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट स्टार्ट का, तो सिंपली से आपको गेट स्टार्ट को ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिया हूँ और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे गेट ओटीपी को ऊपर क्लिक कर दूंगा। गेट ओटीपी को ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिए उस पर ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और फिल कर देने के बाद वेरीफाई को क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओटीपी आ चुका है तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कर रहा है गो टू रेफर कोड का, आपको यहाँ पर रेफर कोड डालने के लिए कह रहा है। तो आपके पास रेफर कोड है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर रेफर कोड नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्किप का, तो सिंपली से स्किप को क्लिक कर देना है। और स्किप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंग्रेचुलेसन या 15 रुपये, यानी कि मुझे 15 रुपये मिल चुका है। इसे लेने के लिए नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही फाइनली दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोवो एप्लीकेशन में अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से प्रोवो एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग प्रोवो एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना सीख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।